एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है दिल में। और आज मैं गंगा जी आई हूं और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि हमारे गांव में आज कलश उठाया जाएगा। सब लोग कलश लेके आ रहे हैं, तो मैं पहले ही आ गई, गांव से नहीं गई थी, मैं यहीं से आई हूं। तो आज यहाँ आएँगे कलश लेके और जल भर के घर जाएँगे, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा और आस पास कभी भी मैं दिखाती रहूँगी। देखिए इधर दुकानें हैं और इधर एक कुआं है, त्रिवेणी गंगा घाट है ये। तो अभी सब आ गए हैं, यहीं बस बगल में है, तो आते हैं जैसे ही, मैं सबको दिखाऊंगी आप लोग। थोड़ा तो चिन्ह कर बिहार में है। नहीं करिएगा, पहुँच गए, आराम से चलिए। हमें कपड़े रखने हैं माता जी जी पीछे। तो देखिए दोस्तों, सारे लोग जो हैं गंगा जी आ गए हैं कलश लेके, और अभी इसमें जल भरेंगे और जल भर के फिर सब लोग वापस जाएंगे और देवी स्थान के पास रखेंगे, जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी है हमारे गांव में वहाँ पे। तो मैं यहीं से आ गई हूँ, घर नहीं गई थी, और यहाँ से मैं साथ में गांव जाऊँगी। तो देखिए सारे लोग नीचे उतर रहे हैं जल भरने के लिए। यहाँ पर अभी संकल्प होगा और उसके बाद जल भरा जाएगा। हम कहीं उठेबे ना के लिए बड़ी सब तैयो लेट कर थे ना, हम अखनी से तैयार ही हम खाइले ही। फोन करते करते कि हिया आयल थुन, हिया आयल थुन। तो देखिए कितनी भीड़ हो गई है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सभी लोग नए नए साड़ी पहनते हैं, ज़्यादातर औरतें ही हैं जो जल भरने के लिए आई हैं। लगभग 400 औरतें हैं। ये हमारी बहू है, तो ये भी हमारी जेठानी की बहू हैं, इन्होंने भी कलश उठाया है, मेरी जेठानी ने भी कलश उठाया है। तो मैंने नहीं उठाया क्योंकि कुछ दिक्कत है मेरे पैरों में, मैं उतना पैदल नहीं चल सकती, क्योंकि घर से सब पैदल ही आए हैं और फिर पैदल जाएंगे। लगभग 4 किलोमीटर है, तो आने जाने में 8 किलोमीटर की दूरी पैदल चलना पड़ता है, और रास्ता चेंज करके आए थे क्योंकि हाथी घोड़े भी साथ में हैं, तो गलियों से होके आ नहीं सकते। तो थोड़ा और लंबा रास्ता एक है चौरासा रोड, उस रोड से आए थे, तो और भी दूरी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने कलश नहीं उठाया। पंडित जी ने संकल्प करके सभी को कलसे में चावल, जो अक्षत होता है, अक्षत, कसैली, पान, फूल, पैसे वगैरह डलवाएं। उसके बाद सबने जल भरा और अब सब निकल रहे हैं गांव जाने के लिए। तो देखिए यहाँ सीढ़ियों से मैंने ये नज़ारा शूट किया है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। सभी औरतें नए नए साड़ी में हैं, सब ने चुन्नी डाल रखी है लाल लाल,
सिर पे कलश है, ये सब देख के एकदम मेरा भी मन कर रहा था कि काश मैंने भी कलश उठा लिया होता। हमें ना उठा लुआ तो कन्ने कन्ने भुला लाला सब कोई दोबारा नहीं हेलसन तुरा नहीं हेलू दोबारा नहीं जी तो ठंडा मार देती कि का। तो अभी हमारी जेठानी आशु की मम्मी भी मिल गई थी। इतनी भीड़ थी कि पता ही नहीं चल रहा था। अपने गांव के तो लोग हैं ही, कुछ अगल बगल के भी लोग आते हैं कलसा उठाने के लिए, तो वो भी औरतें थीं। और पंडित जी ने मना किया था, सब घर से नहा धो के आए थे, फिर भी कुछ लोग देखा देखी नहाने लगे। और भीगे कपड़े में ही उतना दूर जाएंगे तो ठंड भी तो लग जाएगी ना, लेकिन कहते हैं ना कि औरतों में देखा देखी ज़्यादा होती है। पंडित जी के मना करने के बाद भी सब दोबारा से नहा लिए, कपड़े तो लाए नहीं थे और भीगे कपड़ों में ही कलश उठा लिया। तो बहुत लोग मना कर रहे थे कि ठंड का मौसम है, ठंड लग जाएगा, मत नहाइए, लेकिन कुछ औरतें मानी नहीं, वैसे ही भीगे कपड़े में ही कलश लेके जा रही हैं। तो देखिए कलश लेके जाते वक्त कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था, एकदम मनमोहक। तो देखिए अभी हम लोग पुल पे आ गए हैं, फतुहा का पुल जो कि टूटा हुआ है, इसको कठी पुल या लोहे के पुल के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी हाथी घोड़े ऊंट सब थे वो इसी पुल से पार हुए। और देखिए सामने कितनी सारी औरतें हैं, सब एक एक करके इसी पुल से पार हुए हैं। और देख के बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था, पुल डैमेज है इसलिए, लेकिन सब लोगों ने अच्छा इंतजाम कर दिया है। देखिए पुल पे कितना सारा, मतलब कि यहाँ पे गिट्टी वगैरह डाल के पुल को अच्छे से भर दिया गया है और आने जाने के लिए रास्ता बना दिया गया है। फतुहा का ये पुल अंग्रेजों ने बनवाया था, लगभग 150 साल से भी पुराना है ये पुल। और अचानक कुछ महीने पहले ये किसी कारण से देखिए ना, मतलब धंस गया है। और यहाँ से औरतें जब पार करी हैं तो देख थोड़ा सा डर भी लग रहा था, मगर सभी अच्छे से पार हो गए हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में, मार्केट होते हुए हम लोग जाएंगे अब गांव के लिए। तो देखिए घिढ़ारी करने वाले लोग सबसे आगे चल रहे हैं, तो जो दंपत्ति नॉनवेज नहीं खाते हैं वही घिढ़ारी कर सकते हैं। तो जितने भी लोग घिढ़ारी कर रहे हैं वो आगे आगे चल रहे हैं। और अभी देखिए मेरे पीछे मेरी संजली सास हैं, ससुर जी हैं, तो मैं उन्हीं के साथ आगे आगे चल रही थी क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी, औरतें बहुत ज़्यादा है ना, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ही आगे आगे चलिए। तो ये देखिए फतुहा स्टेशन जाने का यहाँ से रास्ता है और बहुत अच्छा यहाँ कभी हुए, बहुत ही अच्छा। तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। और यहाँ पे एक पुल है, देखिए इसी पुल से होते हुए सब लोग जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से फिर गांव के लिए निकल रहे हैं। तो ये गांव का ही नज़ारा है, बीच गांव में आ गए हैं, ये अभी हमारा गांव नहीं आया है, अभी कोई और गांव में हम लोग हैं, तो रास्ता चेंज करके आए हैं ना, इसलिए दूरी बहुत अच्छी खासी हो गई थी। इधर देखिए हाथी घोड़े सब आगे चल रहे हैं और डीजे वाले पीछे हैं और बैंड बाजे वाले भी हैं, तो नज़ारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख लीजिए खुद ही आप लोग। आगे हाथी घोड़े हैं, उसके बाद बैंड बाजा, फिर डीजे, फिर पीछे जो हैं औरतें सब हैं, लाइन लगा के आ रही थी, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं इधर का व्यू, खेत है, खलिहान है, अभी तो बहुत सारे ज़्यादातर प्याज ही खेती कर रहे हैं ना, तो प्याज रोपा हुआ है खेतों में। और देखिए कितनी लंबी लाइन है औरतों की, एकदम पीछे आप नज़र दौड़ाइए, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा मनोरम दृश्य अभी लग रहा था, एकदम भक्तिमय पूरा माहौल हो गया था, सभी लोग जय माता दी के नारे लगा रहे थे। और अब हम आ गए अपने गांव में, ये हमारा देवी स्थान, देखिए यही देवी स्थान है ना जो देवी माता को प्राण प्रतिष्ठा देके ऊपर कमरे में बिठाया जाएगा।
पहले ये देवी स्थान खुला था, बिल्कुल भवन वगैरह कुछ भी नहीं थे, खुले में देवी माता थी, तो इसलिए ये वाला बना दिया गया मंदिर और माता को नीचे से ऊपर कमरे में ले जाया जाएगा। इसीलिए सारी चीज़ें हो रही, हवन वगैरह इधर देखिए तो सभी औरतें जो कलश लेके आई थी 5 बार यहाँ पे घूम के और कलश को यहीं पे रख देंगी। और अंधेरा भी हो गया था, लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है अभी, तो कुछ इस तरह से हमारा देवी स्थान लगता है, आप लोग देख लीजिए। और सजावट भी की गई है, तो सबको प्रसाद दे दिया गया है, जो कलश लेके आए थे उनको भी और बाकी लोगों को भी। तो यहाँ से प्रसाद लेके मैं चलती हूँ अपने घर। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर और ये रही प्रियल और पीहू, उसकी मम्मी भी कलश उठाई थी। तो अभी आके कपड़े चेंज कर लिए हैं, रात के लगभग 7:30 हो रहे हैं। तो अब मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे इन, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।